मैं हूं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक बार फिर ठाणे महानगर पालिका ने मुंब्रा स्टेशन से वाई जंक्शन तक बड़ी कार्रवाई की। ये कार्रवाई मनपा कमिश्नर संजीव जायसवाल के मार्गदर्शन में किया गया। इस कार्रवाई में 3 डिप्टी कमिश्नर, 7 सहायक आयुक्त और 200 कर्मचारी थे। ये सभी लोगों ने अलग अलग टीम बनाकर हॉकर्स पर कार्रवाई की। अब तक मनपा कई बार कार्रवाई कर चुकी है, मगर कल जो कार्रवाई की वो बड़ी कार्रवाई है। इस कार्रवाई में मनपा कमिश्नर संजीव जायसवाल ने भी दौरा किया। ये कार्रवाई सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चली। इस कार्रवाई के दौरान हॉकर्स और मनपा कर्मचारियों में कहीं कहीं झड़प भी देखने को मिली। हम आपको कार्रवाई की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। मनपा के तरफ से जो तोड़क कार्रवाई की गई, उसमें 640 स्टॉल और 45 गालों पर मनपा का हथौड़ा चला। मनपा की तरफ से हो रही इस कार्रवाई में सुरक्षा के लिहाज से पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया था। हालांकि गुलाब पार्क में जहां हॉकर्स अपना धंधा लगाते हैं, वहां मनपा द्वारा जेसीबी से खुदाई कर दिया गया है कि हॉकर्स यहां दोबारा धंधा ना लगा सके। इसी तरह एमएम वैली में भी मनपा ने कार्रवाई की और कार्रवाई के दौरान कई स्टॉल को तोड़ दिया गया। रास्ता विस्तारीकरण में कुछ इमारतें भी आ रही हैं जिन्हें जल्द ही तोड़ा जाएगा। इसी तरह मुंब्रा के मार्केट में भी हॉकर्स पर कार्रवाई हुई। फिलहाल हॉकर्सों को इस कार्रवाई के बारे में पहले ही पता चल गया था, जिसकी वजह से हॉकर्स अपना धंधा हटा लिए थे। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।